अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सारे प्यारे व्यूवर्स। तो आज मैं लेके आई हूँ तुरई और सोया की सब्ज़ी, बहुत टेस्टी और हेल्दी चीज़ है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। ऑयल की क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि इसमें एक कुदरती ऑयल होता है, तो इसलिए मैंने ऑयल की क्वांटिटी कम रखी है। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, इसको हल्का सा भुनेंगे हम। और मेरे पास ये 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिसकी मैंने स्किन को रिमूव कर दिया, उस तरीके से क्यूब्स में मैंने काट लिया क्योंकि इसको गलने में आसानी हो जाती है और बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि ये जो टमाटर है हमारे अच्छी तरीके से मैश हो जाए और बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आएगा। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये चिपके ना। अब इसको मैं ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। अब देखें टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अच्छी तरीके इसको हम मिक्स करेंगे, जितना अच्छा इसकी बुनाई होगी इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून नमक, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ देगी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, और 1 टी स्पून थोड़ा सा कम हल्दी, सिर्फ कलर के लिए हमें चाहिए। अब इसको अच्छी तरीके से हम बुनाई करेंगे और फिर इसको लिड लगा के हम 5 मिनट के लिए दम देंगे ताकि और टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो जाए, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब देखिए ऑयल हमारा ऊपर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तुरई, ये 1/2 kg तुरई है। इसको इसकी स्किन को रिमूव करके मैंने 2 हिस्सों में काटा है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब देखें इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं है। जब मैं इसकी लिड लगाऊंगी तो इसका पानी खुद ब खुद छूटेगा क्योंकि इसमें पानी और ऑयल की क्वांटिटी कुदरती तौर पे ज़्यादा होती है। अब देखें कितना सारा पानी आ गया, इसलिए मैंने टमाटर को अच्छी तरीके से मैश किया था। अब इस तरीके से हम इसकी भुनाई करके फिर 5 मिनट के लिए इसकी लिड लगा देंगे ताकि और जो पानी है वो पूरा इसका निकल आए और अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो जाए। अब देखें कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है और बहुत अच्छी चीज़ है, ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। गर्मी का मौसम है, ठंडी चीज़ है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, धरधरा जो होता है वो मैंने डाला है इसकी फ्लेवर के लिए, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब आप देखें इसका ऑयल खुद ब खुद ऊपर आएगा, इतना सारा ऑयल रिलीज हो जाएगा, इसलिए मैंने कम डाला था। अब इसके मैं डाल रही हूँ सोया की सब्ज़ी, जो बंच होता है वो मैंने पूरा लिया, इसको धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। अब इसको हरे धनिया की तरह हम ऊपर से ऐड कर देंगे, इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको मैं कैप दे दूँगी दम वाली आंच पे ताकि हमारा ऑयल ऊपर से रिलीज़ हो जाए और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। अब मैं इसको इंशाल्लाह डिश आउट करती हूँ और आपको बताती हूँ कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलता है एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।